भी बढ़ी पेंशन में भी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल अब पूरी तरह बदल गया है। पहली अप्रैल से प्रदेश भर में नया बजट लागू हो गया है। अब जिन जिन कर्मचारियों की सरकार ने सैलरी बढ़ाई थी अब वो लागू हो गई है। इतना ही नहीं, कर्मचारी पेंशन को लेकर चाहे आंदोलन कर रहे हों पर अब 8 साल पूरे करने वालों को पेंशन भी लग जाएगी। उधर महंगाई की कैंची जेब काटने को तैयार है। क्या क्या बदलाव हो रहे हैं हिमाचल में और क्या क्या हो गया महंगा, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। बदल गया हिमाचल हमारा दूसरा आज का सेगमेंट है ओंकार जी। नया वित्त वर्ष आज से शुरू हो गया है। आप ये देखिए कि केंद्र और प्रदेश सरकार का जो बजट है आज से वो लागू हो गया है। आपकी शुरुआती टिप्पणी क्या है? जी, मैं यही टिप्पणी करना चाहूंगा कि नया वित्त वर्ष शुरू होते ही बजट में जो भी फैसले राजेश जी लिए गए हैं उन पे आज से जो है अमल होना शुरू हो गया। कई नियम बदलेंगे, कई तरह के बदलाव आएंगे, कहीं राहत मिलेगी तो आप जानिए कि कहीं जेब भी हमें ढीली करनी पड़ेगी। तो इस तरह से है। बिल्कुल, बड़े बदलाव क्या ओंकार जी क्या लग रहा है? दिहाड़ी बढ़ गई है, बड़े बदलावों पे चर्चा कर लेते हैं। आज से बढ़ी हुई दिहाड़ी लागू हो गई है हिमाचल में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, दिहाड़ी जैसे आप जानते हैं कि 300 रुपये का जो है 50 रुपये बढ़ा के दिहाड़ीदारों को अब 350 रुपये जो है प्रतिदिन की दिहाड़ी मिलेगी। तो इस तरह के कई फैसले हैं हिमाचल की, और भी कई हैं जैसे बिजली का। बिल्कुल, बिजली को जो है वो 60 यूनिट तक जो है वो बिजली का फिर हमें नहीं भरना पड़ेगा। 60 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे दी जाएगी। सिलसिलेवार चर्चा करेंगे ओंकार जी, सिलसिलेवार चर्चा करेंगे, कई चीजें इसमें शामिल है। बिल्कुल, कर्मचारियों के जो वित्तीय लाभ है वो लागू हो गए हैं जी, और कर्मचारियों के जो वित्तीय लाभ हैं उसमें कितने कर्मचारी फायदे में रहेंगे, थोड़ा सा ये बताएंगे आप? जी, उसमें कम से कम जो है वो बहुत सारे कर्मचारी हैं। बिल्कुल, जो पैरा जो कर्मचारी हैं जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आंगनवाड़ी सहायक हैं जिनके लिए सरकार ने सिलाई अध्यापिकाएं हैं, इस तरह के वर्ग जो हैं उनके जो सरकार ने एक मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी, मैं उस घोषणा की बात कर रहा हूँ जी। इसमें जैसे वो जो है पैराफिटर हैं जी, होम गार्ड हैं, आंगनवाड़ी हैं, बिल्कुल, और जो भी अन्य वर्ग हैं उसमें जो भी बजटीय घोषणाएं हैं तो आज से उनको जो है वो जो भी उनके देय लाभ हैं जो भी घोषणाएं हुई हैं वो आज से मिलने शुरू हो जाएंगे, आज से मिलना शुरू हो जाएंगी, अगले महीने वो उनके अकाउंट में क्रेडिट होने वाली है। कोविड के दौरान जो स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को लेकर एक लगातार एक सरकार के ऊपर एक सरकार से लगातार एक मांग की जा रही थी कि इस स्टाफ ने बेहतरीन काम किया है कोविड पीरियड के दौरान, जरा याद करिए, सड़कों पे एम्बुलेंस दंडना रही थी, अस्पतालों में जगह तक नहीं थी, कोई मरीज को कोई पूछने वाला नहीं होता, तो इस स्टाफ ने बेहतरीन तरीके से काम किया है। आज इनके लिए भी एक राहत की खबर आई है और राहत की खबर ये है ओंकार जी कि एक्सटेंशन मिल गई है इनको, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, सरकार का ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। जिन भी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोविड में दिन रात काम किया है उन्हें सेवा विस्तार जो है मिलना ही चाहिए था, जिनको भी सेवा विस्तार मिला है वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनकी जो मेहनत तो उन्होंने की उस काल में की जब लोग जो है वो पता नहीं होता था कि सुबह गए हैं तो शाम को वापस घर पहुंचेंगे, जिंदा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। बहुत ही एक संक्रमण काल में उन्होंने जो है वो अपना जीवन जो है वो देश की सेवा के लिए समर्पित। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें कोरोना के दौरान जो स्टाफ अस्पतालों में तैनात किया गया था उस स्टाफ को आज उनका जो सर्विस काल है या सेवा काल है उनका 30 जून तक बढ़ाने का सरकार ने फैसला लिया है। पिछले दिनों भी लगातार ये मांग उठ रही थी कि स्टाफ को ना हटाया जाए क्योंकि आउटसोर्स पे सिस्टम चला हुआ था, अब उनको एक्सटेंशन मिल गई है। तो परिस्थितियां कोरोना के लिहाज से अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने तमाम बंदिशें, जितनी भी बंदिशें लगाई थी, आज से वो बंदिशें हटाने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब प्रदेश भर में आप देखिए कि 50% क्षमता वाली कोई एक बंदिश प्रदेश भर में लागू नहीं रहेगी, 6 फीट वाली सोशल डिस्टेंसिंग वाली बंदिश लागू नहीं रहेगी, एक बंदिश सिर्फ लागू रहेगी ओंकार जी, वो है मास्क पहनने की बंदिश। जब भी बाहर निकलेंगे मास्क पहनना ही होगा, सिर्फ यही बंदिश प्रभावी रहेगी प्रदेश भर में आने वाले दौर में। तो कोरोना की तमाम बंदिशें बाकी जो हैं वो अब खत्म एक तरह से करने का सरकार ने ऐलान आज कर दिया है, इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। कर्मचारी लंबे अरसे से पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं ओंकार जी, लेकिन लोग कुछ ऐसे हैं जिनको तो बैठे बैठे पेंशन लग गई, सरकार ने बहुत बड़ा एक तोहफा उस वर्ग के लिए दिया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी लोग राजेश जी पेंशन के हकदार हुए हैं उन्हें इसका लाभ जो है वो, मैं समझता हूँ इसका लाभ उन्हें काफी पहले ही मिल जाना चाहिए था जी,
बहरहाल बजटीय प्रावधान में सरकार ने जो भी घोषणा की थी तो इस दौरान जो भी इसके लाभान्वित होंगे उनको ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, एक बहुत अच्छा निर्णय। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो रही है, कर्मचारी तो अभी आप ये देखिए कि 3 मार्च को जितना बड़ा प्रदर्शन उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली के लिए किया था, उसके बाद से आप लगातार एनपीएस को देखिए जो सोशल मीडिया पे अपने उन कर्मचारियों के फोटो शेयर कर रहे हैं जो कर्मचारी 1,900-1,800 रुपए के आसपास पेंशन ले रहे हैं। अब उनको अगर हम छोड़ दें तो आम लोगों को, जिनके लिए तो सरकार ने एक तरह से आमदनी की कोई एक लिमिट नहीं रखी है कोई भी नहीं, लेकिन जिनकी भी उम्र 60 साल है, हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वो प्रावधान आज से लागू उन लोगों के लिए हो गया, और पहले इसमें वित्त वर्ष में 40,000 के करीब लोगों को ये पेंशन लगेगी। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहले 80 साल थी उम्र, आते ही 70 साल की, अब अपने सरकार के इस कार्यकाल के 5वें साल में वो 60 साल कर दी है, तो बहुत बड़ी राहत एक तरह से दी है। बेरोजगारों के लिए नौकरियों का पिटारा तो एक तरह से कहें ओंकार जी पहले ही खुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, 30,000 पद भरे जाएंगे और मल्टी टास्क वर्कर की जो भर्ती प्रक्रिया है प्रदेश भर में शुरू हो गई आज से, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल राजेश जी, 30,000 पद जैसे आपने कहा ये भरे जाएंगे, ये पहले ही सरकार बता चुकी है, घोषणा हो चुकी है, और ये बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, और सबसे बड़ी राहत उन लोगों को भी मिलेगी जो बतौर मल्टी टास्क वर्कर जो है वो सरकारी स्कूलों में रखे जाएंगे। जी, तो ये भर्तियां जो हैं जैसे सभी जानते हैं कि SDM के माध्यम से ये भर्तियां होंगी, तो 7,500 लोगों को सीधे तौर पे ये लाभ जो है मिलने वाला है, और आज से ही ये जो है इसका कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है। बिल्कुल, 30,000 बजट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 30,000 भर्तियों का ऐलान किया है, और ये मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी। आपने कहा 7,500 युवा इसमें रखे जाएंगे जिनके लिए सरकार ने SDM की कमेटी को अधिकृत कर रखा है, तो एक तरह से युवाओं के लिए भी मौका है नौकरी का। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जैसे JEE की बात कर लें, चाहे इलेक्ट्रिक की बात कर लें, मैकेनिकल की बात कर लें, सिविल की बात कर लें, अभी तक भर्ती कोई निकली नहीं है। इसके अलावा JOIT के कुछ कर्मचारी रेगुलर भी हों कार्य आज, ये तो राहतों की हमने बातें कर ली कि बड़ी राहतें सरकार ने एक तरह से दी, हिमाचल बदल गया, लेकिन महंगाई जो असली मुद्दा है उस महंगाई पे बात कर लेते हैं ओंकार जी। महंगाई की कैंची भी आज से बड़ी तीखी हो गई है आम आदमी की जेब पे, एक तरह से कहें। बिल्कुल राजेश जी, महंगाई ने जो है वो हर वर्ग का जीना हराम कर रखा है। घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो 1,000 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। बिल्कुल, पेट्रोल पूरे हिमाचल में 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। तो ऐसे में घर से लेकर दफ्तर तक पहुंचने तक आपका बजट जो है वो हर तरह से गड़बड़ा जाएगा। आप जहाँ 1 रुपया खर्चने का हिम्मत पहले दिखाते थे तो मुझे लगता है वहां आप 50 पैसे या 40 पैसे खर्चने की हिम्मत जो है कितनी आप कटौती कर पाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। समझ नहीं आता है। गृहिणी से लेकर जो है हर वर्ग जो है इससे परेशान है, और परेशान है, बहुत परेशान है। दिहाड़ी बड़ी है 50 रुपए, कर्मचारी वित्तीय लाभों के लिए एक तरह से संघर्षरत हैं। दूसरी तरफ महंगाई का नजरिया देख लेते हैं कार्जी। सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ईंटें, मजदूरी, इसको एक तरफ रख लीजिए, ये तो पहले से ही हम चर्चा कर चुके कि बहुत महंगा काम हो गया। खाद्यान्नों पर महंगाई की मार है, करीब करीब 2 साल में 45% खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं। और अब अगर हम बात कर लेते हैं तो अभिभावकों की बात कर लेते हैं और शिक्षा के लिहाज से बात कर लेते हैं, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी परिस्थितियों को लेते हैं। किताबें और कॉपियां 15-25% के करीब महंगी हो गई हैं। स्कूल वर्दी और जूते, आप ये देखिए कि इन पे जो GST था वो 5% से बढ़के 12% पहुंच गया, महंगी, ये भी महंगे हो गए हैं। और महीने की फीस, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आपने तेल की कीमतें बताई, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है, डीजल ने भी लंबी छलांग मार के 90 रुपए के करीब पहुंच गया है। तो आप ये देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन की स्कूल गाड़ी में आने जाने का खर्चा, यानी कि वो स्कूलों में वो चीजें भी अब बढ़ने वाली है। दूध 2 रुपए महंगा हो गया, हालांकि यह मिल्क फेड की वह खरीद है जो किसानों या बागवानों या पशुपालकों से वो खरीदते हैं जिन्होंने पशु पाले होते हैं। लेकिन इसका संदेश जब जाता है तो तमाम जितनी भी कंपनी है, कई कंपनियां तो पहले महंगा कर चुकी हैं, और दूसरी बात अब बार यहां भी पड़ने वाली है, 2 रुपए प्रति किलो ये भी महंगा हो गया है। टोल प्लाजा की बात कर लें, शिमला, परवाणु, सनवारा टोल प्लाजा की बात कर लें, कीर्तपुर, मनाली 4 लेन की बात कर लें ओंकार जी, यहाँ भी महंगाई की मार पड़ी है, यहाँ भी चीजें महंगी हो गई हैं, शराब महंगी हो गई है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो 872 दवाइयों के रेट
प्रदेश भर में बढ़ गए हैं, आज से व्यवस्था लागू हो गई है। 872 दवाइयां हैं, आप मानिए करीब करीब हर दवाई 10 से 11% तक महंगी आज से हो गई है। तो ये महंगाई वो चला था ना, महंगाई डायन खाए जात है, ये वही स्थितियां हैं। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये वाली परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। व्यावसायिक गैस सिलेंडर 250 रुपये महंगा हो गया है, यानी कि पकौड़े तलना, चाय समोसा आने वाले दौर में बहुत महंगा हो गया है।